हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो कुछ हफ्तों पहले लॉजिटेक का एक कैंपेन चल रहा था टू प्रमोट देयर न्यू एमएक्स मास्टर 3S माउस एंड एमएक्स मैकेनिकल कीबोर्ड, जिसका मैं भी एक पार्ट था और इंस्टाग्राम पर मैंने रील्स डाले हुए हैं, तो अगर आप उसे देखना चाहो तो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और इस कैंपेन के दौरान मैंने एक कॉन्सेप्ट वेब UI डिज़ाइन बनाया था फिग्मा यूज करके, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस डिजाइन पर एक फिग्मा ट्यूटोरियल बनाऊं और साथ ही साथ ये भी बताऊं कि UI डिजाइन के लिए मैं हाई क्वालिटी PNG इमेजेस कैसे डाउनलोड करता हूं। तो मैं बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इसी के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर है हम लोग फिग्मा में। स्टार्ट करते हैं एक न्यू डिज़ाइन फाइल क्रिएट करके, और फिर सबसे पहले तो हम लोग अपना फ्रेम बनाएंगे। तो फ्रेम बनाने के लिए फ्रेम टूल सिलेक्ट करेंगे, मैं क्लिक करके इस तरीके से रैंडमली ड्रैग कर लूँगा और फिर मैं यहाँ जाके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऐड कर दूँगा। तो जो साइज़ और जो विथ और हाइट मुझे रखनी है वो है 2560x1440। फिर इससे मैं जो भी कलर देना चाहो वो दे दूंगा। तो सबसे पहले तो फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फिल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर सॉलिड से इसे सेट कर लेंगे लिनियर में। तो इसे यूज़ करके हम एक अच्छा सा ग्रेडियंट जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कलर को सिलेक्ट करके एक डार्क शेड दे दूँगा और हाँ, यहाँ पर जाकर मैं इसे सेट कर दूँगा रेडियल में, रेडियल ग्रेडियंट में, ठीक है। एंड फिर इसको सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं कर दूँगा एक डार्क ब्लैक कलर। ऑलराइट, आई थिंक मैं रेडियल की जगह पे लिनियर ही यूज़ करूँगा, वो ज़्यादा बेटर दिखेगा। एंड ये जो ग्रे है इसे भी थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे। फिर मैं सिलेक्ट करूँगा रेक्टेंगल टूल और क्रिएट करूँगा एक रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर भी मैं ऐड करूँगा एक रेडियल ग्रेडियंट, इसमें यहाँ पर मूव कर लूँगा और जो वाइट कलर है उसे हम कर देंगे एक डार्कर ग्रे कलर और इसे मैं कर दूंगा ऑलमोस्ट ब्लैक पे। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक डॉट जो हमें दिखता है उसे ड्रैग करूँगा, जिससे यूज़ करके हम अपने जो ग्रेडियंट की जो विथ है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे मैं कुछ यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दूंगा और इसे मैं हल्का सा डार्कर टोन में लेके जाऊँगा। तो जो मिड सेक्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा और जो फ्रेम है उससे भी मैं हल्के से डार्क टोन में लेके जाऊंगा कुछ ऐसे। ऑलराइट, सो यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर UI डिज़ाइन में। अब बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मैं इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करता हूँ, तो ये जो स्पेसिफिक लॉजिटेक माउस के इमेजेस है उसे डाउनलोड करने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज़ की। मैं गया उनके वेबसाइट पर, ऑफिशियल लॉजिटेक के वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको उनकी पूरी माउस की जो स्पेसिफिकेशंस है, इमेजेस है, वो मिल जाता है। तो अगर आप नीचे जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके का ये माउस है। अब इसे मुझे डाउनलोड करना है तो नॉर्मली मैं राइट क्लिक करके इसे डाउनलोड नहीं कर सकता। तो इसे डाउनलोड करने के लिए हम लोग एक फ्री क्रोम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे यहाँ पर, जिसका नाम है फैटकन। आप क्रोम के वेब स्टोर पर जाके इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। बस इस पर जाके आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर जाके आप क्लिक करोगे और डाउनलोड करंट टैब का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको, आपने और भी ज़्यादा टैब्स ओपन किए हुए हैं और आपको सब टैब्स का कंटेंट देखना है या डाउनलोड करना है तो आप ऑल टैब सिलेक्ट करोगे, बट मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर टैब का कंटेंट डाउनलोड करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर या टैब पर जितने भी इमेजेस है वो पूरे पेज पर, उन सभी इमेजेस को यहाँ पर मुझे दिखा देगा और इसके साइज़ भी हमें देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये माउस का जो इमेज है वो हमें मिल गया अलग अलग एंगल्स में। तो यहाँ पर हमें अलग अलग एंगल्स में वो इमेजेस मिल गए। तो मान लीजिए मुझे ये इमेज चाहिए डाउनलोड करना है, तो बस मुझे यहाँ पर जाकर इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने पहले भी इसे डाउनलोड कर रखा है एंड इट्स दैट सिंपल। तो इसी टेक्निक को यूज़ करके आप कोई और प्रोडक्ट यूज़ करना चाहो या डाउनलोड करना चाहो तो वो डाउनलोड कर सकते हो, सही है। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया हुआ है, लॉजिटेक का लोगो भी डाउनलोड किया हुआ है और कुछ आइकन्स। तो ये जो एसेट्स है ये फिग्मा फाइल में आपको दे दूंगा, तो आप इन्हें यूज़ करके आप अपना जो डिज़ाइन है वो क्रिएट कर सकते हो। बट मैं बोलूँगा कि आप अपने खुद के प्रोडक्ट लो, कुछ और प्रोडक्ट लो ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर सको डिज़ाइन के साथ भी।
तो चलिए अभी के लिए मैं इस माउस को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी, और इससे मैं यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेस कर दूंगा। सेम फॉर दिस इमेजेस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ऑल राइट, फिर इस माउस के अराउंड मुझे एक एक्सेंट बनाना है, जिससे इस ये जो क्रिएटिव माउस है, क्योंकि ये क्रिएटर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, तो उसे एनहांस करने के लिए, कंप्लीट लुक को एनहांस करने के लिए, मैं सिंपली यहाँ पर जाकर जो एक्लिप्स टूल है उसे सिलेक्ट करूँगा और एक शेप बना लूँगा कुछ ऐसे। फिर इसमें से फिल निकाल देंगे, ऐड करेंगे एक स्ट्रोक, अराउंड 2 या 3 पिक्सल शुड बी गुड। फिर फिल में जाके मैं ऐड करूँगा एक आई थिंक रेडियल, या लेट्स गो विद लिनियर ग्रेडियंट। तो इस समय यहाँ पर इस तरीके से मूव करके प्लेस कर दूंगा। इसका जो कलर है वो मैटर नहीं करता, बट वाइट पे सेट कर देते हैं। और फिर इससे भी मैं सेट कर दूंगा एक हल्के से ग्रे टोन पर, स्ट्रोक को सिलेक्ट करूंगा और इसे रोटेट कर देंगे ऐसे, और फिर मैं जैसे चाहूँ इसे एडजस्ट कर सकता हूँ, तो कुछ इस तरीके से। अब जैसे कि देख रहे हो ये स्ट्रोक जो है ये हमारे माउस के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो उसे फिक्स करने के लिए अगेन मैं इसका जो ग्रेडियंट है उसको थोड़ा सा ट्वीक करूँगा, एंड बूम। तो अब ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड आई थिंक जो फ्रेम का बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, तो उससे मैं हल्का सा फिक्स कर लेता हूँ। मुझे एकदम भी ब्लैक नहीं रखना है, हल्का सा ग्रे टोन में रखना है इसे, तो वो मैं अभी यहाँ पर इस तरीके से इसे सेट कर देता हूँ। अब जो हमारा बेस डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। अब हम सबसे पहले तो ऐड कर लेते हैं हमारे लोगो को, लॉजिटेक का, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पर मैं डाल दूंगा और इसे यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे, शिफ्ट होल्ड करके इसे छोटा कर लेंगे कुछ ऐसे, और कलर मैं इसे दे दूंगा काइंड ऑफ एन ऑफ वाइट कलर। फिर जो मेन्यू टैब है वो हम क्रिएट करेंगे, तो उसे क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, टाइप इन करेंगे हमारा टेक्स्ट। तो जो पहला टेक्स्ट होगा वो होगा होम, ओके। इसका जो साइज़ है वो बढ़ा देंगे, तो ऑल्ट होल्ड करके अगर मैं ड्रैग करूँ तो मैं इजीली इसकी साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और जो फॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है इंटर फॉन्ट, अगर आप चाहो तो कोई और फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि ये जो फॉन्ट है ये यूआई डिज़ाइन के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इस फॉन्ट को यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। और जो साइज़ है इसका मैं कर दूंगा 24, आई थिंक शुड बी गुड, ओके। ऑल्ट होल्ड करेंगे, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट टैब है उससे मैं टेक्स्ट, उसका जो टेक्स्ट है वो टाइप कर लेता हूँ। इसी तरीके से हम और भी टैब्स क्रिएट कर लेंगे। ऑलराइट, बाकी इन टैब्स को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट होल्ड करके, और जो कलर है वो हम चेंज कर लेंगे, हम इसे डार्क कर लेंगे, ताकि जो शॉप और टैब है वो हाईलाइट हो। इसका मतलब हम शॉप वाले टैब पे है, तो उससे हम यू नो फिगर आउट कर सकते हैं कि जैसे मैं इस बिज़नेस पे क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट होगा, फिर सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो वो हाईलाइट होगा, तो इस तरीके से ये एक सेंस दे देता है। फिर मैं इस टेक्स्ट का अगेन डुप्लीकेट लेके यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा और ऐड करेंगे सर्च और लॉगिन का सेक्शन। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ सर्च एंड यहाँ पर लॉगिन। फिर मेरे पास यहाँ पर आइकन्स थे जो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बाय द वे आइकन्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ तो बताता हूँ, एक मिनट। ऑलराइट, और इससे इसका जो कलर है वो मैं कर लूँगा काइंड ऑफ वाइट या ऑफ वाइट कलर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये दिखने में। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आइकन्स की, तो आइकन्स के लिए एक फ्री प्लगइन आता है फिग्मा में, तो अगर मैं राइट क्लिक करूँ प्लगइन्स में जाऊँ और आप कर सकते हो सर्च मोर प्लगइन, बट जो मेरा फेवरेट प्लगइन है वो ये है आइकॉनिफाई। तो यहाँ पर जाकर आप फ्री में आइकन्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपको आइकन्स चाहिए आप सिंपली सर्च करो यहाँ पे। जैसे कि मालूम मुझे सर्च का आइकन चाहिए, तो मैं सर्च टाइप करूँगा तो मुझे सर्च के रिलेटेड काफ़ी सारे आइकन्स आ जाएंगे, और आपको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो आइकन आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही यूज़फुल प्लगइन है, एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू चेक इट आउट। फिर मैं ऐड करूँगा एक रेक्टेंगल जो कि एक डिवीजन का काम करेगा इन दोनों ही सेक्शंस में। ऑलराइट, सो ये भी हमारा जो टॉप सेक्शन है वो रेडी हो चुका है। अब मैं जो लेफ़्ट साइड है हमारे सेक्शन की, मतलब जो प्रोडक्ट का जो भी डिटेल्स हमें ऐड करने हैं वो मैं ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम नाम टाइप करेंगे इस प्रोडक्ट का, जो कि है MX Master 3S। फिर इसे मैं बड़ा कर लूँगा कुछ ऐसे,
और मुझे फुल कैप्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाकर इसे फुल कैप्स पे सेट कर दूंगा। ऑलराइट, और इसका जो साइज़ हम लोग 100 पे सेट कर देंगे। जो वेट है इस फॉन्ट का उसे मैं सेट कर दूंगा बोल्ड पे, काफ़ी सही लग रहा है। ऑलराइट, एंड फिर इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे मास्टर सीरीज, और इसका जो वेट है उससे मैं सेट कर दूंगा अराउंड रेगुलर पे, और साइज़ भी काफ़ी छोटी कर दूंगा। यहाँ पर प्लेस करेंगे, और इसका जो कर्निंग है उससे मैं एडजस्ट कर लूँगा कुछ ऐसे, काफ़ी सही लग रहा है। और जो भी डिटेल्स है अब हम वो ऐड कर लेंगे, तो सिंपली मैं यहाँ पर जाके टेक्स्ट कर लूँगा, जो भी डिटेल मुझे टाइप करने हैं वो मैं टाइप कर लेता हूँ। ऑल राइट, सो वो भी मैंने टाइप कर लिया है, कलर भी काफ़ी सही लग रहा है। एंड फिर फाइनली हम लोग ऐड करेंगे इसकी प्राइजिंग, बट हाँ, प्राइजिंग ऐड करने से पहले रिव्यूज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर सिंपली जाके टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 50, मान लीजिए इस प्रोडक्ट पे 50 प्लस रिव्यूज़ है, मैं बस एग्जांपल के लिए डाल रहा हूँ, ये हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो। एंड जो साइज़ है उससे मैं काफ़ी कम कर लूँगा, अराउंड 18 शुड बी गुड। एंड फिर मैं यहाँ पर जाकर स्टार टूल सिलेक्ट करूँगा और स्टार शेप क्रिएट करेंगे, जो कि स्टार्स होंगे, रेटिंग स्टार्स इस तरीके से। जूम कर लेता थोड़ा, और ऑल्ट करके डुप्लीकेट्स बना लेंगे। ऑलराइट, एंड फिर इनका जो कलर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसे 4 स्टार्स रेटिंग मिला है, तो उससे मैं लाइट पे ही रखूँगा, इसे मैं डार्क कर लूँगा। ठीक है, तो काफ़ी सही लग रहा है। एंड फिर हम इसे एक्चुअली इन्हें सिलेक्ट करके थोड़ा सा पास ले लेंगे, और इन्हें सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे ग्रुप करने के लिए, और फिर इन सेक्शन को भी मैं ग्रुप कर लूँगा इस तरीके से। स्टार्स मुझे लग रहा है ज़्यादा ही छोटे हो गए हैं, तो मैं अगेन इन स्टार्स को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट होल्ड करके, और फिर शिफ्ट होल्ड करके ही बड़ा कर लूँगा कुछ ऐसे। लेट्स सी, यप, अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है। एंड फाइनली जो प्राइस होगा इस माउस का, जो कि है $99, तो वो ऐड कर लेता हूँ। एंड फिर इसको मैं सेट कर दूंगा अराउंड 26 या 24 शुड बी फाइन, आई थिंक 28, थोड़ा बड़ा ये सही लग रहा है। एंड फिर फाइनली ऐड करेंगे एक ऐड टू कार्ट का बटन। ऑलराइट, इसका जो साइज़ है वो काफ़ी कम कर लेंगे कुछ ऐसे, और यहाँ पर जाकर मैं एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट कर लूँगा, ऐड कर लेंगे इसे, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे पीछे चले जाएगा जैसे हम इलस्ट्रेटर में करते हैं। तो यहाँ पर हमने बटन भी ऐड कर लिया है। अब इसका जो कलर है वो हम चेंज कर लेते हैं कुछ ऐसे, और कॉर्नर्स को भी मैं राउंडेड कर लूँगा। ऑलराइट, ऐड टू कार्ट का जो साइज़ है उसे मैं बढ़ा दूँगा, एंड जो वेट है उसे मैं सेमी बोल्ड पे सेट कर देता हूँ। तो अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, अलाइन भी कर लेंगे प्रॉपरली। सो देयर वी गो। अब जो बैकग्राउंड है ना, वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही प्लेन लग रहा है, तो उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इस जो माउस के इनिशियल्स है MX, उसे यूज़ कर सकता हूँ। और ये टेक्निक मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने डिज़ाइन में, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा मस्त लगता है ये टेक्निक। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, इसे मैं सेट कर दूंगा अराउंड ब्लैक पे, और हाँ फुल कैप्स पर, ठीक है, और बड़ा कर लेंगे काफ़ी कुछ ऐसे, और इसे मैं पीछे सेट कर दूंगा, तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट पीछे ले लेंगे इसे, ज़्यादा ही बड़ा हो गया आई थिंक, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एंड यहाँ पर कुछ ऐसे मैं प्लेस कर दूंगा। फिर हम जो इसका फिल है उसे निकाल लेंगे, तो फिल को डिलीट कर देंगे, ऐड करेंगे स्ट्रोक्स, और स्ट्रोक्स को मैं सेट कर दूंगा काइंड ऑफ ग्रे टोन पर, और जो साइज़ है उसे 2 पे सेट कर देते हैं फिर भी, और ओपेसिटी को नीचे ले लेंगे थोड़ा, बस एज अ एक्सेंट यूज़ करेंगे, ताकि जो कॉम्पोजिशन है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड लगे। और अगेन मैं इसका जो लिनियर है उससे मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगा कुछ ऐसे। एंड फिर फाइनली हम लोग एक ड्रॉप शैडो ऐड करेंगे हमारे माउस पर, तो माउस को सिलेक्ट कर लेते हैं, इफेक्ट्स में जाके प्लस पे क्लिक करेंगे, जाएंगे यहाँ पर और ऐड करेंगे एक ड्रॉप शैडो। तो ब्लर को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इंटेंसिटी भी बढ़ा देता हूँ, पता नहीं दिख क्यों नहीं रहा है ये, हाँ अब दिख रहा है। ब्लर को हम इंक्रीज करेंगे कुछ ऐसे, और जो ओपेसिटी है उससे मैं कम कर लूँगा थोड़ा सा। ओके, सो अब ये थोड़ा सही लग रहा है, डेप्थ भी अच्छी खासी आ रही है, और
काफ़ी सही लग रहा है। अब इस पूरे कॉम्पोजिशन को मैं हल्का सा मूव कर लेता हूँ। ओके दैट इज़ लुकिंग क्वाइट गुड। एंड फाइनली मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, जाऊँगा प्लगइन्स में, और यहाँ पर मेरे पास एक प्लगइन है नॉइस, तो कुछ नॉइज़ ऐड करेंगे जिससे जो ओवरऑल कलर बेंडिंग्स है वो निकल जाएंगी हमारे डिज़ाइन में से। तो यहाँ पर जाएंगे, मैं इसे सेट कर दूंगा लेट्स से 600 बाय 600, क्लिक करेंगे ओके पर, जिससे एक नॉइज़ का ये जो लेयर है वो ऐड हो जाता है। तो इसे मैं यहाँ पर प्लेस करके बड़ा कर लूँगा कुछ ऐसे, और फिर इसका जो ओपेसिटी है उसे मैं सेट कर दूंगा 10 पर, एंड बूम देयर वी गो। सो दैट इज़ अ रैप गाइज। आई होप आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे यूज़फुल लगी, और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, dope.motions निखिल पवार और dope.setupbro पे। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।